रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। बहुत मजा आ रहा है और मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ, सबके साथ आई हूँ, पूरी हवेली फैमिली के साथ। बहुत अच्छी बात है, कलर्स के सारे अच्छे टॉप शोज के सभी एक्टर्स मिलके होली मना रहे हैं और होली का ये कलर्स पे बहुत बड़ा इवेंट है, सो बहुत मज़ा आ रहा है होली खेल के कलर्स के साथ। सफ़ेद परिवार सफ़ेद परिवार शुद्ध परिवार। असल में त्यौहार जो है वो रंगों का है, तो हमने सफ़ेद पहना है ताकि रंग उस पर अच्छे से नजर आए। साफ झूठ बोलते हैं हम लोग, इसलिए सफ़ेद रंग पहना है। कैरेक्टर कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अभी 1.8 पे ऐसे ही सारे शोज आ जाए तो हम सब मिलके टॉप 1 पे आ जाएंगे। सर क्या ना, होली के साथ साथ पूरा यू नो धमाल है, साथ में पूरा कहानियों का भी अंदर मिक्सचर है, मिलन है और एंटरटेनमेंट भी है, मजा भी है, पूरी एक फिल्म बन रही है होली के ऊपर पूरी, जिसमें सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है, डांस भी है, एक्शन भी है, सब कुछ है, धमाकेदार पैकेज है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ सारे परिवार एक साथ होकर एक फेस्टिवल मना रहे हैं, तो डोरी और काफ़ी सीरियल्स है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल महासंगम, है ना? क्या लगता है आपको? बहुत सारे दोस्त भी मिल जाते हैं ऐसे इवेंट पे। आप नॉर्मल लाइफ में जब आप शूट कर रहे होते हो तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप दोस्तों से मिले, पर जब आप ऐसे इवेंट पे आते हो तो जो आपके फ्रेंड्स हैं बाकी के शोज कर रहे हैं, सो यू गेट टू मीट देम, तो मज़ा आता है। बहुत पसंद है होली, मैं होली के लिए बहुत वेट करती हूँ, कब आएगी होली? बहुत पसंद है, मैं होली हर साल खेलता हूँ, दो साल कोविड के नहीं खेला लेकिन हर साल खेलता हूँ मैं, वैसे बचपन से खेलता हूँ। और होली का अपना अलग मज़ा है, ये रंगों का त्यौहार है, सब पे रंग लगाना, लोग हम पे लगाते हैं, फिर खाना पीना, रेन डांस, DJ, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। देखिए मज़ा, थ्रिलर भी मज़े के ही का ही बेसिकली दूसरा रूप है, तो अगर थ्रिलर होगा भी तो भी उसमें मज़ा आएगा आप सबको, तो बस इंतज़ार करिए। जहाँ पर इतने आर्टिस्ट एक साथ अगर इकट्ठे हुए हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो बवाल होने वाला है। हाँ, हमारे वहाँ तो बचपन से सब चाट काउंटर मेरा फेवरेट रहा है, सेवपूरी, पानी पूरी, नो भेल वगैरह, और हाँ यही सब चाट खाता हूँ बेसिकली मैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उस पीढ़ी से है जो थोड़े से मतलब एडवांस्ड में है, बट यंगस्टर्स से मिलके बहुत अच्छा लगता है। और जैसे तोरल ने बिल्कुल सही कहा, ये एक ऐसा एक जहाँ पर आप सभी को मिल सकते हो, यू नो योर प्रेजेंट जनरेशन, योर पास्ट जनरेशन। जैसे नीलू जी से मिलके मुझे इतनी खुशी हुई, एंड देन जो यंगस्टर्स कर रहे हैं कमाल परफॉर्म करते हैं, सो फोकस्ड, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो अनकंडीशनली। ई टाइम्स के सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली मनाइए, रंगों का त्यौहार है, रंग उड़ाइए, मज़े लीजिए, खूब खाइए पिए, एंजॉय कीजिए, हैप्पी होली।